नमस्कार। जिंदगी में कभी कभी हर एक के साथ होता है कि वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगता है, बहुत तन्हा महसूस करने लगता है। लेकिन याद रखिए, अगर सुंदर विचार, सदविचार, अच्छी सोच आपके साथ है तो आप कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे। और आपके तारे एक ऐसे ही विचार की तरह है जो हर रोज सुबह आपके सामने आता है आपको ये बताने कि आप समर्थ हैं, आप सक्षम हैं और आप अकेले नहीं हैं। ये 7 सालों का है और ये 7 आगे भी बना रहेगा। तो ज्योतिष गुरु के साथ हम आज के दिन को समझने की शुरुआत करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं आपके लिए और आपके अपनों के लिए कि आज कैसा है। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो मेष और वृषभ सबसे पहले कर रहे हैं आज के राशिफल की शुरुआत आपके साथ, तो आपका दिन कैसा है ये जान लेते हैं और उसके बाद कैसे करें प्लानिंग, क्या है आज के विचार आपके लिए ज्योतिष गुरु के। मेष राशि वाले ही समझ लें कि छोटी छोटी बातों से रिश्तों में तकरार पैदा होता चला जा रहा है। आप अपनी बात पूरी तरह से लोगों को समझा नहीं पा रहे, इसलिए आपकी कोशिशें भी बेकार हो रही। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों की अहमियत बहुत है, जिसे आप समझते भी हैं, फिर भी कुछ हद तक गलती आपसे ही होती चली जा रही। लोगों से किसी भी तरह की गलत फहमी में पड़ने से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? अपनी आदतों का असर अपनी सेहत पर बिल्कुल ना आने दें। सेहत को संभालना है तो अपने ऊपर रिश्तों का दबाव भी ना बढ़ाएं। वृषभ राशि वालों के हालात कुछ ऐसे हैं कि घर परिवार की खुशियां बनी रहें, पर आपकी मानसिकता कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप रिश्तों की ओर देख ही नहीं पा रहे। अपने नजरिए को बदलने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज या पैसे से जुड़े उन कारणों को समझना होगा जो आपको परेशानी में डाल रहे हैं, और इसलिए अपने पैसे से जुड़े फैसलों को बहुत ध्यानपूर्वक भी लेना होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को इतना भी प्राथमिकता ना दें कि उसकी तुलना में कामकाज बिगड़ जाए। जिंदगी में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है ताकि जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में कोई गलती ना हो जाए। तो आज का मूल मंत्र है संतुलन, बैलेंस। आज बैलेंस बनाकर रखिएगा ताकि किसी भी क्षेत्र में आप कई काम करेंगे आज, उनमें आपस में तालमेल रहे, कोई गलत फैसला ना होने पाए। अब सवाल लेंगे ज्योतिष गुरु, निधि सिंह का सवाल है आपके सामने। इनकी डिटेल्स हैं और इनकी कुंडली तैयार करते हैं। 14 अगस्त 1993, 4:50 शाम को लखनऊ में इनका जन्म हुआ है। करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, 2 साल से प्रिपरेशन कर रही हैं, सफलता नहीं मिल पाई है। कब तक एक अच्छी नौकरी इनको मिलेगी? बार बार गवर्नमेंट जॉब कह रही हैं, कब तक लगेगी? आपके हिसाब से इन्हें अपनी सोच में क्या बदलाव लाने चाहिए और क्या करना चाहिए? निधि, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है राहु की सितंबर 2018 तक। आपने जो कहा उसे समझते हुए मुझे आपको बहुत कुछ समझाना है। आज हमारे देश में ये स्थिति है कि लाखों बच्चे सिर्फ सरकारी नौकरी के प्रयास में अपने अच्छे भले बनते हुए कैरियर को भी बर्बाद कर लेते हैं। सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती। मैं कोई सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी इस बात को समझता हूं कि जमाना बदल गया है, आपको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। और आज आप अपने आसपास अपने समाज में देखें, जो भी सफल व्यक्ति है क्या वो सरकारी नौकरी कर रहा है? ऐसा नहीं होता है। इसलिए अपने आप को बदलिए, अपनी सोच को बदल लीजिए। सभी के लिए कह रहा हूँ, आपकी तरह बहुत सारे बच्चे ये शो देख रहे होंगे। और आपके लिए सितंबर अक्टूबर 2018 में जो भी मौका मिल रहा है, जिस भी नौकरी का, उसे ले लीजिए, उसी से आपका कैरियर बन जाएगा। निधि, सितंबर अक्टूबर 2018 में आपको नौकरी मिल रही है, वो नौकरी ले लीजिएगा। और इस फेर में बिल्कुल मत फंसिएगा कि ये सरकारी है या प्राइवेट। अब तो ये हो रहा है कि खुद गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के जो अच्छे लोग हैं, जो अचीवर्स हैं, उनको गवर्नमेंट सर्विस में लाने के बारे में सोच रही है। तो सवाल प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर का नहीं है, सवाल अच्छे करियर का है। अपने करियर के रास्ते में खुद रोड़ा मत बनिएगा अपनी गलत सोच से। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क, अब आपके लिए देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा है, आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि अगर लोगों से तकरार बना रहेगा तो आपकी मेहनत का भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अपनी कोशिशों को एक सही दिशा प्रदान करनी पड़ेगी। उसमें अपने प्रियजनों की जरूरतों को भी शामिल करना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? कोई प्यार का रिश्ता अपने ही रूप से आपके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है और कामकाज के क्षेत्र में भी उन भावनाओं का प्रभाव हो सकता है। रिश्ते अपनी जगह हैं, पर कामकाज की ओर भी ध्यान देना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में नाराजगियां पैदा कर लेना ठीक नहीं होगा। अपनों की जरूरतों को पूरा करने में आप कोई कमी ना रखें।
कर्क राशि वालों की थोड़ी सी मेहनत से आपको बड़ी सफलता मिल जाए, ऐसा हो सकता है। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगे और आप अपने सपनों को साकार कर सके, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी की खुशियां तो हर कीमत पर बनाए रखनी होंगी। घर परिवार में सुख है, लेकिन वो सुख बना रहे इस रूप से अपने प्रयास भी करने होंगे। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के प्रति किसी भी वजह से आप लापरवाह ना हो जाएं। थोड़ी सी सफलता मिल जाने से अपने कर्तव्य निभाने में किसी भी तरह की कमी ले आना ठीक नहीं होगा। थोड़ी सी सफलता मिल जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो आपके कर्तव्य हैं आप उनसे मुंह मोड़ना शुरू कर दें, मत कीजिएगा। आगे सिंह और कन्या राशि, अब आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये दो चीजें हैं जो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आपका आज का दिन कैसा है, आपका राशिफल। सिंह राशि वालों को घर परिवार में अपनों की बात को समझना और उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि रिश्तों को पूरा सम्मान देने से आपको फायदा होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत को या अपने प्रदर्शन को दर्शाने की या शोकेस करने की जरूरत है। लोगों को समझ तो आए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या पा सकते हैं। अपनी चुनौतियों को संभालना भी आसान हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में? क्योंकि हालात मददगार बनते चले जा रहे हैं, इसलिए आप अपनी ओर से लापरवाह ना हो जाएं। वैसे भी अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता को बढ़ावा देना इस समय ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि किसी यात्रा या बदलाव के विचार आपके मन में बने रह सकते हैं। कामकाज से जुड़ी यात्राओं का संयोग भी बन सकता है। क्या करना चाहिए समय में? परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि घर परिवार से हर तरह का सुख और लाभ आपके लिए बना रहे। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आप भी अपनों की ओर जागरूक हैं। क्या ना करें समय में? अपनी जिंदगी की चुनौतियों को अपने ऊपर इतना भी हावी न कर ले कि उसका असर आपके घर परिवार की खुशियों पर पड़े। इसलिए भी किसी छोटी बात को व्यर्थ में बढ़ने ना दें। कभी कभी कोई छोटी सी बात हम पर या हमारे परिवार पर बहुत गलत असर डाल देती है। ऐसी कौन सी गलती है जो आपसे हो सकती है? थोड़ा संभल कर अगर कुछ करेंगे तो वो गलती नहीं होगी, आप परेशान आगे नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ, और सवाल बहुत लंबा चौड़ा है ज्योतिष गुरु, बहुत संक्षेप में हम आपको बताना चाहेंगे। नीलेश कुमार जी का सवाल है अपनी बेटी के लिए, शिखा उनका नाम है। 4 दिसंबर 1999 1:10 दिल्ली में जन्म हुआ है। सेहत सही नहीं रहती है, पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं है, ज्योग्राफी ऑनर्स BA फर्स्ट ईयर में है। जानना चाहते हैं कि करियर कब तक बनेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अपने घर के सामने भी कुछ समस्या है किसी पड़ोसी के साथ, उसका भी जिक्र कर रहे हैं। उलझाव बहुत ज़्यादा हैं, दिक्कतें दो ही बड़ी नज़र आती हैं, आप क्या कहेंगे? शिखा, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा भी चल रही है बृहस्पति की 2017 तक। सारे सवाल इरेलीवेंट है, मैं ये समझता हूँ। आपके दो मुख्य सवाल हैं, एक तो पढ़ाई को लेके और एक आपकी सेहत को लेके। जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, दिसंबर 2017 से आपका पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ेगा और आगे चल के आपकी पढ़ाई बेहतर होती चली जाएगी। इस प्रेरणा के साथ, इस लगन के साथ अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि दिसंबर 2017 आ गया। सेहत आपकी ठीक है, व्यर्थ में चिंताएं लगाने से कुछ होता नहीं है, आगे भी आपकी सेहत ठीक ही रहेगी। तो सब कुछ ठीक ठाक है, सेहत भी ठीक है। हाँ, अच्छी बात जो आपको समझनी होगी कि दिसंबर 17 यानी बस अभी पढ़ाई के प्रति उनका रुझान बढ़ने जा रहा है, और जब पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ रहा है तो जाहिर है करियर भी उनका बन जाएगा। भूल जाइए सब कुछ, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए अपनी बिटिया पर, अपना करियर बना लेंगे, बस मोटिवेट करते रहिए उन्हें। तुला और वृश्चिक राशि, देखिए जिंदगी में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो रडरलेस बोट की तरह जिंदगी चलने लगती है, समझ में नहीं आता कि जिंदगी कहाँ जा रही है। तो आपको मोटिवेट करने के लिए ही ज्योतिष गुरु आपके साथ है, आपको बताएंगे कि आपका राशिफल क्या कहता है और आप क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े हालात ठीक हैं, पर पैसा संभल नहीं रहा। यहां तक कि आपकी बचत पर भी इस चीज का असर है, क्योंकि आपके खर्चे बेकाबू होते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके दोस्त आपकी मदद करना चाह रहे हैं, पर फिर भी आपको अपने फैसले संभल कर ही लेने होंगे। खासकर अपने कामकाज के क्षेत्र में ये सूझबूझ तो आपको बनानी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? लोगों पर बहुत ज्यादा उदारता दिखाना भी ठीक नहीं है। ऐसा कुछ ना होने दें कि आपकी ओर से कोई गलतफहमी पैदा होती चली जाए। वृश्चिक राशि वालों का कामकाज की ओर रुझान अच्छा है और आपकी मेहनत नजर आ रही है, इसी वजह से आपके धन का आगमन भी ठीक सा ही बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? दूर स्थान की परिस्थितियों को समझ लेना बहुत जरूरी है, और बहुत संभव है कि ऐसे किसी फैसले में आपके लिए खुशियां छुपी हुई हों, उसमें आपके अपनों की सहमति की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? पैसे को भी उतनी ही प्राथमिकता दे जितनी की जरूरत है, उससे ज्यादा पैसा जुटा लेना भी ठीक नहीं है। सेहत का भी ख्याल रखना होगा।
तो जरूरत से ज्यादा पैसों के फेर में मत उलझिए, सेहत का ख्याल रखिए वो ज्यादा जरूरी है। पैसा जिंदगी के लिए जितना चाहिए उतना आ जाए, इस समय वही बहुत है, ज्यादा मत उलझिएगा। आगे बढ़ते हैं, धनु और मकर राशि अब आपके लिए देखते हैं कि क्या कह रहा है आज का दिन आपके राशिफल के जरिए। ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे आपके आज के दिन के बारे में और उसके बाद आपको नोट कराएंगे कि आज आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वालों के लिए दूर स्थान से जुड़े विकल्प कुछ ऐसे हैं जिन्हें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। यही वजह है कि जल्दबाजी में तकदीर को आजमाने से तो बचना ही होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? आर्थिक दृष्टिकोण से समय मददगार है और आपकी अपनी मेहनत भी उसमें पूरा योगदान दे रही है। अपने बढ़ते हुए खर्चों पे तो फिर भी एक नजर आपको रखनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? अपने कामकाज के क्षेत्र में किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों को अपने खिलाफ कर लेंगे और इस समय यही ठीक नहीं। मकर राशि वालों के लिए अचानक धन लाभ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। इस वजह से आपके खर्चे भी कुछ हद तक बेकाबू हो सकते हैं। लोगों की बातों में आकर अपना नुकसान न करें। क्या करना चाहिए इस समय में? आपका पूरा फोकस आपके कामकाज की ओर बना रहना चाहिए। कोई प्यार का रिश्ता भी आपकी जिंदगी में अहम भूमिका निभा रहा है, इसलिए खुशियों भरा समय। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी की खुशियां बनाए रखनी है तो किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज ना करें जो आपको मदद कर सकता है। ऐसे किसी अहम व्यक्ति की आलोचना करना भी ठीक नहीं होगा। अपने मददगार को नाराज कर देना या उसी को क्रिटिसाइज करने लगना, उसकी आलोचना करने लगना, ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कुंभ और मीन राशि अब आपकी होगी बात, तो आइए देखते हैं आपका आज का दिन कैसा है और आज के दिन आपको क्या करने की और किससे बचने की सलाह देने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वालों को किसी रिश्ते से खुशियां पाने के लिए लोगों की सहायता जरूर मिलेगी। जिंदगी में लोगों से तालमेल बना रहे तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और। क्या करना चाहिए समय में? हालात भी इस रूप से बनते चले जा रहे हैं कि आपके पैसे की स्थिति आपकी पकड़ में रहे। यही वजह है कि कोई अच्छा विकल्प भी आपको इस समय फायदा दे सकता है। क्या ना करें इस समय में? क्योंकि लोगों से मदद मिल रही है इसलिए आप अपने कामकाज में अपनी लगन को कम ना करें। ऐसे में अपने प्रदर्शन को इस समय कम कर लेना किसी भी तरह से ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक रिश्तों में तनाव का माहौल बना रह सकता है, जिसके चलते आपको बहुत ज्यादा संभलना भी पड़ेगा, तभी जाकर जिंदगी की खुशियां आप बना पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत पड़ेगी। अपने हालात को भली भांति समझने से ही आप अपने हालात को संभाल पाएंगे। क्या ना करें समय में? लोगों की दखल अंदाजी से आप दुखी ना होते चले जाएं। अपने काम की ताकत को समझें ताकि अपने चुने हुए रास्ते पर चलने में आपके लिए कोई रुकावट ना आए। तो आपकी ताकत है आपका काम और वही काम आपको आपके चुने हुए रास्ते पर आगे लेकर जाएगा, आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो सुंदर विचारों को, अच्छी सोच को अपना साथी बना लीजिए। आप कभी भी जिंदगी में अकेले नहीं पड़ेंगे, अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। हम हर रोज आपके सामने आते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे, आपके दिन को यूं ही निखारते रहेंगे। अगर कोई समस्या आती है जिंदगी की प्लानिंग में तो आप हमें ईमेल कीजिए। आईडी है aapketare@aajtak.com, वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल अभी हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।